हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम। ऐड कर 3 2 1। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिश्रा। सिताजो हमेशा सिताते रहना, तंदुरुस्त रहना। बिल्कुल, तो यार जिंदगी तंदुरुस्ती की है, हमारे भी तो आपकी भी। हाँ, आप आपका भी शुक्रिया, हमारा भी शुक्रिया। यार आप सबको पता चल रहा होगा कि हमारी जो लाइट है ना यार, मतलब जा रही है रात से जा रही है। नहीं ना अम्मी, लोग बोल रहे हैं गली में, लोग बोल रहे हैं कि रात से लाइट नहीं आ रही। तो बहुत टाइम पहले लाइट गई हुई है हमारी और अभी तक आई ही नहीं है। तो अभी एक मतलब 10-15 मिनट के लिए आई थी इधर, तो 10-15 मिनट के लिए आई और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर से चली गई। शुक्र है हमने पानी जो है ना वो भर लिया है। हमारा पानी नहीं था टैंकी में, ये हम शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भाई आपके बिना तो हमारा एक दिन नहीं गुजरता। डाउनलोड किया हम बैठ गए। हाँ, डाउनलोड किया, अभी बैठे हुए साथ ही ना लाइट उसी टाइम लाइट चली गई। तो हमने सोचा हमारे पास, खुदा का बहुत बहुत, हम कहते हैं कि यार हमारे पास लाइट है, हम यही जला के ना, आप समझना कि भाई ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ना लाइट नहीं आती। हमने साथ आपके जैसे मर्जी हो, इधर देखना लाइट, उधर ही रहना है आपके साथ बॉर्डर के पास। हाँ, तो ऐसा जब बॉर्डर को हम पार पार के दौड़ के आ जाए यार, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हम जब भी कोई बात सुनाना, मैं ही आपको यार हमारे पास ही बॉर्डर है। अगर कभी बॉर्डर खुले हमने भाग के ना सो लग जाए, गेट लग जाए, दौड़ के आ जाए, दौड़ के बाहर जाना था देखो। लेकिन यार आज की वीडियो हम लेकर आए जिसमें हम देखने वाले कि भाई कृष्णा जी के जो भजन है ना वो भाई फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा अरब कंट्रीज में वायरल हो रहे हैं और फॉरेनर भाई उनको गा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। इसको देख के पाकिस्तानी जो है वो शॉक में चले गए हैं। इन्होंने बड़ी आग लग रही है और किसी ने लगे ना लगे ना नजर तो पाकिस्तानी यार, हम लोग जो है ना वो अच्छे पाकिस्तानी, 6 लाख बहुत प्यारे घर वाले हो, घर वाले हो। बिल्कुल, तो ऐसा कहते हैं यार आज की वीडियो देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप सबको भी मजा आने वाला। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज की वीडियो। हैरान हो रही हूँ। राधे 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 गो सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। किस लिहाज से बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। देवियों की पूजा की जाती है, सनातन धर्म में देवियों को सर्वप्रथम ये पूरे विश्व का अधिकार दे दिया गया है। पर इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बिस्तर गर्म करने का सामान, इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बच्चा पैदा करने की मशीन। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ती खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते, जहाँ खाना पकाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह विदेशी लोग हरी नाम रंग में रंग गए हैं, लगभग पूरी दुनिया में आज सनातन धर्म का बोलबाला है और विश्व के सबसे पुराने धर्म को जानने वाला हर शख्स इसका गुणगान गाने लग जाता है। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है,
इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्य में वे सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में होते हैं। जो सत्ता इन दैव्य गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियां पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर, वो ये देखे दरमियान में, क्या वजूहात है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज़ हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं। तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है, इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे टूरिज्म हो, कुछ भी हो, इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना, वो जय जय ही हो रही है हर जगह। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है, हम अपना लेते हैं। जो एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता, वो हमें अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं। जैसा कि देखे ना, हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते, जहाँ खाना पकाते हैं। ठीक है, हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो, और दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। ठीक है, अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते। हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना, आप एज मुस्लिम, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते? ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया, लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि चार जंगे फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी, वो इतने बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगे आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25 50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है, उनका ह्यूमन पोटेंशियल
तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है और सिस्टम की अगर आप बात करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा है, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की, यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दाहने पर जाके खड़ा करता है। बिल्कुल, तो यार सच में कितने अकलमंद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में मौजूद है, और ऐसे अम्मी एज वाले लोग जो होते हैं ना, असल में उन्होंने दुनिया घूम के देख ली होती है। और कई ऐसे लोग भी पाए जाते हैं हमारे माशरे में जिनकी उम्र इतनी ज्यादा हो जाती है लेकिन उनके दिल में इतनी ज्यादा हेट, इतनी नफरत होती है। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी सच में, अगर पाकिस्तान में ऐसे सारे लोग हो जाए ना, तो हमारे कंट्री का भला हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे पाकिस्तानी अगर यहाँ पे मौजूद हो जो अपने पाकिस्तान की हकीकत को जानते हैं कि यार हम क्यों उनसे अलग हुए, हमें फर्ज करें हम उनसे अलग ना हुए होते तो हमने बड़ी तरक्की कर गया होना था इस टाइम पे। हमारा कंट्री जैसे इंडिया की बड़ी इज्जत है ना, हमारी भी बहुत ज्यादा इज्जत होनी थी। और कहते हैं कि अगर हम सारे के सारे इकट्ठे होते हैं ना, जब हम अलग हो गए बांग्लादेश, श्रीलंका, वो सारे ये जो हमारे कंट्री हैं जो पहले एक हुआ करते थे, अगर वो अलग ना हुए होते तो हम सबसे ज्यादा अमेरिका को बहुत पीछे हम छोड़ चुके होते, हम इतने ज्यादा मजबूत होते। लेकिन यार गलती हमारी है कि हम सब अलग हो गए, अलग थलग हो गए, और हमें एक मुट्ठी होती है उसको तोड़ दिया गया। और फिर बाद में देख ले हमारा तो भाई बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, आप तो फिर भी सही जा रहे हैं, लेकिन यार अभी इंडियन कल्चर को पूरे कंट्रीज, जो बाहर के कंट्रीज है उनमें भी फॉलो किया जा रहा है, वहां पे भी हरे कृष्णा लोग पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं गाने और उनका मजहब की तरीके कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर ये बताता है कि यार उनका जो मजहब है ये बताता है कि वो जो है ना पीस लवर है, वो नफरतें नहीं फैलाते। जैसे कि पाकिस्तानी अंकल ने बोला कि जो हिंदू होता है ना वो झूठ नहीं बोलता, मैं मतलब जो एक सच्चा पक्का हिंदू होगा ना वो मर जाएगा लेकिन आपके साथ ना धोखा नहीं करेगा। हम पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, कल अभी मैं एक न्यूज देख रही थी पाकिस्तानी चैनल पे, जिसमें उन्होंने बोला कि यूएई ने पाकिस्तान के जो वीजे है ना उन पर बैन लगा दिया कि पाकिस्तानी जो है ना बैगर्स, मतलब के मांगने वाले जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में दुबई में बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से उन्होंने ना अभी विजिट वीजा भी पाकिस्तानियों को देना जो है ना वो बंद कर दिया। तो ये हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो ये हरकतें वहां पे जाके कर रहे हैं। तो हमें क्या लगता है आपको, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें हमारी भी इज्जत बने? इधर दे यही है ना, जब जाते हैं इन्होंने फड़के उठे जाते बंद कर जेले दे दें फड़के, सही बात, इनको जूते इतने मारे हैं कि इनका ना सूज है वही जो आप बोंड सूज जाए अम्मी ने बोल दिया, मैंने बोला नहीं, अम्मी ने बोल दिया भाई सूज जाए इनकी, सच में यार जाने काबिल है कसम से। हमारे जैसे मासूम पाकिस्तानियों का भी इन्होंने लोगों ने जीना हराम किया है, और अम्मी यार इनको ना मेहनत की आदि नहीं है असल में, इनको ना बैग खा लिया यार। अम्मी ये मुझे लगता है हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना उनकी भी गलती होती है, अगर वो शुरू से ही अपने बच्चे को सिखाए ना ये चीज की यार तुम्हें हर काम खुद करना है, तो उसको भी ना अकल होगी कि हाँ यार मुझे काम करना, मुझे बैठ के नहीं खाना है। लेकिन हम लोग होते हैं हमारा वालिद कमा रहा है, सब बैठ के खा रहे हैं, तो बस जितनी देर तक फ्री में खा सकते हैं हम खाते रहते हैं, जब तक सर पे पड़ नहीं ना जाती तब तक हम नहीं मानते, जब सर पे पड़ जाती है फिर मांगने बैठ जाते हैं, मांगना सबसे ज्यादा इनको इजी लगता है। और यार यार अम्मी इनकी बेइज्जती करवा करवा के इतने बेशरम हो चुके होते हैं कि इनको ना बेइज्जत करते जाओ तो इनको शर्म ही नहीं आती, इधर से सुना इधर से निकाला और चले गए, ऊपर से बातें दो चार और सुना के ना आपको जाते हैं कि नहीं देना तो ना दो, गलत ना सुनो, नहीं देना तो ना दो, ऐसे ही है ना बातें सुना के जाते हैं। लेकिन यार वीडियो देख के मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तानियों की सोच इतनी ज्यादा अच्छी है, और जो भी हिंदू मजहब के बारे में उन्होंने बताया कि उनके कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को वैसे बात सही है, अब साड़ी जो है ना वो पाकिस्तानी पहले नहीं थे पहनते, लेकिन अभी जो साड़ी का कल्चर है वो पाकिस्तान में अभी इन हो रहा है, लोग पहनते हैं साड़ी, जहां पहनती हाँ साड़ी पहनते हैं, मतलब उनकी होली सेलिब्रेट करते हैं, उनके जो कल्चर को जो है वो अपनाते हैं, और जो चीज मतलब हमें लगता है ना कि ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दिमाग से वो कर लेते हैं, लेकिन जो चीज एक पॉजिटिव वे में होती है ना, जैसे वो अब इतनी सक्सेस हासिल कर रहे हैं वो चीज नहीं हमने पिक करनी होती, वो कहते हैं रहने दो वो हो जाते हैं तो जाए, हम क्या कर सकते हैं, हाँसी मंगन दे शेर ते अगर कहते हैं कि अगर अवार्ड मिलना हो ना मांगने में सबसे ज्यादा किसी कंट्री के, तो हमारे कंट्री को अवार्ड मिलेगा।
तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो। थैंक यू।